मांडू सीट को लेकर आखिर क्यों छिड़ा महासंग्राम? क्या टूट जाएगा जेडीयू बीजेपी का गठबंधन? आखिर मांडू सीट इतना हॉट सीट क्यों बन गया है? न तो यहाँ से कल्पना सोरेन, न ही हेमंत सोरेन, न ही बाबूलाल मरांडी और न ही चंपई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर आखिर ये झारखंड के विधानसभा चुनाव के सबसे हॉट सीटों में से एक क्यों बन चुका है? इसकी चर्चा लगातार झारखंड की सियासत में क्यों हो रही है? आखिर मांडू सीट जेएमएम कांग्रेस के बीच की कलह क्यों बन चुका है? आखिर एनडीए के अंदर बीजेपी आंसू और जेडीयू के बीच इसी सीट को लेकर महासंग्राम क्यों छिड़ा है? इसकी जड़ क्या है? हम उसकी पड़ताल करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। आखिर मांडू सीट का इतिहास क्या है? आपको बता दें कि 1985 से लेकर 2004 तक लगातार जेएमएम के कद्दावर नेता रहे टिकलाल महतो का कब्जा रहा। 2005 में जो है वहां पर जेडीयू की खीर महतो चुनाव जीते और फिर 2009 में जेएमएम का कब्जा हो गया, टिकलाल महतो जीत गए और फिर 2014 में उनके बेटे जेपी पटेल चुनाव जीते। यानी लगातार वहां जो है, अगर एक टर्म को छोड़ें तो 1985 से लेकर लगातार जेएमएम का कब्जा रहा। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जेपी पटेल जो है वो भाजपा में आ गए और भाजपा से वो चुनाव जीत गए। अब चूंकि जेपी पटेल कांग्रेस में आ गए हैं तो कांग्रेस दावा कर रही है कि मांडू सीट हमें चाहिए, क्योंकि जेपी पटेल ने बाकायदा लोकसभा का चुनाव हजारीबाग से लड़ा लेकिन चुनाव वो हार गए और अब जो है कांग्रेस उस पर दावेदारी कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस और जेएमएम के बीच भी इस सीट को लेकर कलह मची हुई है। जेएमएम का कहना है कि 1985 से लेकर लगातार हम वहाँ चुनाव जीते रहे कुछ टर्म को छोड़कर, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि चूंकि अब जेपी पटेल हमारे साथ आ गए हैं इसलिए हमारी दावेदारी बनती है। और यही वजह है कि लगातार जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से बयानबाजियाँ हो रही हैं, खटपट सामने आ रही हैं। अब आते हैं जो हमारी प्रमुख स्टोरी है, जो हमारे थंबनेल में है, हमारे टाइटल में है कि आखिर बीजेपी आजसू और जेडीयू के बीच महासंग्राम क्यों छिड़ा हुआ है। क्योंकि 2005 में खीरू महतो जो है वो मांडू से चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए इस बार भी सीट पर दावा कर रहे हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के खीरू महतो अपने बेटे दुष्यंत पटेल को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू ने दुष्यंत पटेल को चुनावी मैदान में उतारा था। चूंकि आजसू इस पर अब दावेदारी कर रहा है और उसके पीछे आजसू की एक मजबूत वजह है, एक मजबूत लॉजिक है। 2019 में आजसू भाजपा से अलग होकर चुनाव लड़ी, लेकिन मात्र मामूली अंतर से जो है वो आजसू के उम्मीदवार निर्मल महतो जो है वो पिछड़ गए। निर्मल महतो को बकायदा वहां पर आपको बता दें कि 49,855 वोट मिले थे और बीजेपी के जेपी पटेल मात्र कुछ वोटों से जो है वो चुनाव जीते थे। ऐसे में सुदेश महतो का ये दावा है कि इंडिया गठबंधन हो, महागठबंधन हो या फिर बीजेपी, हमने अलग चुनाव लड़ा, उसके बाद भी हम दूसरे नंबर पर रहे, मात्र कुछ वोटों से चुनाव हार गए, इसलिए वहां पर हमारी जो है वो स्वाभाविक दावेदारी बनती है। लेकिन बीजेपी जो है उस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब अगर बीजेपी गठबंधन को बचाने के लिए वो सीट छोड़ना भी चाहती है तो अब चूंकि जेडीयू बीजेपी की मजबूरी है, खीरू महतो जो है उस सीट से अब दुष्यंत पटेल अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और नीतीश कुमार का प्रेशर बीजेपी के ऊपर है। यही वजह है कि सरयू राय जो बीजेपी की आंखों में खटकते रहे, वही सरयू राय जिसने रघुवर दास को जो है सिटिंग मुख्यमंत्री को 2019 का विधानसभा चुनाव हरा दिया और बीजेपी की हार के पीछे जो सरयू राय एक बड़े फैक्टर थे, लगातार आलोचना करते रहे, घोटालों का पर्दाफाश करते रहे, लेकिन फिर अब ये खबर आई है कि सरयू राय को भाजपा जो है वो चुनाव लड़ा सकती है जेडीयू के टिकट पर जमशेदपुर पूर्वी से। तो जेडीयू जो है वो बीजेपी की मजबूरी हो गए हैं। ऐसे में जेडीयू भी इसका फायदा उठाना चाहती है और अपने प्रदेश अध्यक्ष शिरू महते के बेटे दुष्यंत पटेल के लिए मांडू सीट मांग रही है, लेकिन सुदेश महतो मांडू सीट को लेकर अड़ गए हैं। जबकि भाजपा का भी अपना दावा है, क्योंकि जेपी पटेल जो है 2019 में वहां से चुनाव जीते, 2014 में जेएमएम से जीते थे लेकिन फिर 2019 में भाजपा में शामिल हुए, भाजपा से चुनाव जीते। तो अब भाजपा का ये दावा है कि मांडू सीट तो हमें ही चाहिए। तो ये वो पूरी वजह है जिस वजह से जो है कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर भी महासंग्राम जो है छिड़ गया है, वो जेडीयू आजसू और बीजेपी।
अब आप ये समझिए, बीजेपी सत्ता में आने के लिए किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करना चाहेगी, लेकिन चूंकि जेडीयू की मदद से केंद्र में सरकार बनी है, इसलिए हो सकता है कि भाजपा को जेडीयू की तरफ रुख करना पड़े। जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बेटे को टिकट दे, तो ऐसे में सुदेश महतो वो नाराज हो सकते हैं, क्योंकि मांडू पर उनकी मजबूत दावेदारी है और ये कह रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़े तो हम 49,000 वोट लाकर आए, मात्र कुछ वोट से चुनाव हारे, ऐसे में हमारी दावेदारी बनती है, अगर इस सीट में मिलती है तो हम यहां से निश्चय ही जो है वो जीत दर्ज करेंगे। इसी आधार पर ये कहा जा रहा है। ये सिर्फ मांडू की बात नहीं है, हम एक एक वीडियो में उन तमाम सीटों के बारे में बताएंगे जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में आसू ने काफी बेहतर परफॉर्मेंस किया था अकेले चुनाव लड़ते हुए। कुल 13 सीटें हैं जहां अगर 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू और भाजपा के वोट बैंक को जोड़ दिया जाए तो वो महागठबंधन के उम्मीदवार को आराम से हरा देते। यानी अगर आजसू और भाजपा 7 चुनाव लड़ती तो इस वक्त वो सत्ता में होती। हालांकि इस बार जयराम महतो की एंट्री भी हो गई है और इसी वजह से बीजेपी सुदेश महतो को दबाना चाहती है, मैसेज देना चाहती है कि हम जयराम महतो के साथ जा सकते हैं। इसलिए हेमंत बिस्व शर्मा कभी बयान दे देते हैं कि हम जयराम महतो के साथ जो है वो चाय पे चर्चा करना चाहते हैं, चाय पीना चाहते हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्या सुदेश महतो को इसी तरीके से अगर भाजपा इग्नोर करती रही, जो जहां आजसू की मजबूत दावेदारी है, मजबूत परफॉर्मेंस है, वो भी सीट अगर आजसू को नहीं देती है तो क्या आजसू गठबंधन तोड़ लेगी? क्या आजसू ये रिस्क लेने को तैयार है? जब जयराम महतो के तरफ कुर्मी वोट बैंक युवा वोटर शिफ्ट हो रहा है, ऐसे में क्या सुदेश महतो भी ये कदम उठा पाएंगे? भाजपा भी सुदेश महतो की मजबूरी समझ रही है, सुदेश महतो भी भाजपा की मजबूरी समझते हैं कि इस बार भाजपा किसी तरीके से सत्ता में आना चाहती है। तो अब सब कुछ जो है वो पावर प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है, इसलिए मांडू सीट जो है वो कहते हैं काफ़ी हॉट सीट बन गया है। और चूंकि मांडू सीट पर जो है कुर्मी वोटर का दबदबा रहा है, 1985 से लगातार वहाँ जो है वो कुर्मी प्रत्याशी ही चुनाव जीतते रहे हैं, तो ये पूरा मांडू का जो है वो राजनीतिक इतिहास रहा। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।